जय जगन्नाथ कालिया स्कॉलरशिप स्टार्ट हो सारी अप्लाई करने स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 31 जनवरी 2024 पूर्व आपने स्टेट स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे कौ मैंने इलिजिबल कौ कौ कोर्स इलिजिबल अच्छी से कमेंट सेक्शन में पिन कर दे देखिदेवे सेम कोर्स ही एप्लीकेबल अच्छी केवल ए स्कीमटा तार इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपंकर पेरेंट्स मान भितर बापा कि माँ जी हेल्ले कालिया योजना बेनिफिशियरी थे तेज जाकि पकई पारे कारण एप्लाई कला बेले आपको मागिबो कालिया बेनिफिशियरी आईडी स्कॉलरशिप को माने पकेबे फर्स्ट जानवा निहाती इम्पोर्टेंट तापरे तार अमाउंट केते रहिछि आ गवर्नमेंट प्राइवेट को माने पके परबे से जिनस जानवा तापरे तार अप्लाई प्रोसेसटा मु पूरा डिटेल्स रे कह देबी मोबाइल रे केमती अप्लाई करबे ठीक अछि। फर्स्ट देखंतु यार डिटेल ए पीडीएफटा मु आपन मानको मोर डिस्क्रिप्शन रे दे दोछि सेटी गले आपन देखि परबे इलिजिबिलिटी रे को को कॉलेज अछि जोतिर एमबीबीएस बीडीएस बीएचएम सब पुराई तो टेक्निकल अछि बीटेक आईटीआई आईटीसी आउ बोथ गवर्नमेंट आउ प्राइवेट पकई पारे गवर्नमेंट आउ प्राइवेट पकई पारे ये मेनसन है द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन एडमिशन मेरिट बेसिस इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैविंग एआईएसएजी कोड जो कॉलेज रो एआईएसएजी कोड थी से मैंने पकई पारे ठीक अच्छे। तो यार अमाउंट के देखो सीटा भी देखेदे एमबीबीएस रही 37,950 37,950 पर इयर रहा जेटा भी देखा बीडीएस 37,900 बी फार्म 35,000 बीएससी नर्सिंग 19 ठीक अच्छे ये सब एएनएम जीएनएम अच्छी 6,800 जीएनएम अच्छी 36,000 एएनएम अच्छी 6,800 पर इयर ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपको सब जगह गवर्नमेंट और प्राइवेट करते यहाँ पकई पारे कि आपंकर बापा कि माँ जी हेल्ला जन कालिया योजन हिताधिकारी होता आवश्यक बीटेक 60,000 रही सब हाएस्ट 65 रही एमबीए एमबीए पाई टू इयर 65,000 रही सब हाएस्ट ना ना 70 ताठ भी हाएस्ट अच्छे 77,000 आमर बीबीएससी एंड एवी एग्रीकल्चर जोटा रही ओयूएटी रही 75,000 पर इयर ठीक अच्छे। एतिक तार अमाउंट रही यार ये पीडीएफटा मुझे आपको मोर डिस्क्रिप्शन में देदेवी चेक करेंगे सीटी आप जापरेंगे कौन कौन किए किए पकई पारे कौ कौ कॉलेज पकई पारे बहुत गवर्नमेंट आ प्राइवेट पकई पारे ठीक अच्छे। नेक्स्ट चलतु केमती पकड़ मोबाइल ता प्रोसेसटा देखा फर्स्ट आपन को गूगल रो क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ो निज मोबाइल आवाक पड़ो स्टेट स्कॉलरशिप डॉट ओडिशा डॉट जीओवी डॉट इन तार ऑफिशियल पोर्टल गूगल रे सर्च करदे स्टेट स्कॉलरशिप पाइबे सेठी आसला पर आप जो मैंने पूर्व स्कॉलरशिप पकईर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन थी निज आधार नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आउ पासवर्ड जोटा से मैंने क्रिएट करते जदि पासवर्ड भूली जाइए तो फॉरगॉट पासवर्ड करमी कर स्टूडेंट लॉगिन ले जाके फॉरगॉट पासवर्ड करदेव बट जो मैंने पूरा नुआ आस फर्स्ट टाइम पकेबापी से मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन जीव ठीक कर आई एग्री कर आउ थे ठीक कर प्रोसीड कर आधार नंबर देकि ओटीपी वेरीफाई कर आउ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करदेव रजिस्ट्रेशन कलापर आपको आपंकर आधार नंबरटा हम यूजर आईडी आउ पासवर्ड जोटा आप क्रिएट करेंगे से दुटा को देलापर कैप्चा जमी ये लिखाई मोर 8+3 तेनाली ये लिखे आंसर 11 सेमती आप जहाँ भी आसो से कैप्चाटा लिखे पासवर्ड आप देखिए सेम पासवर्ड सपोज अमित एट द रेट 123 यार पासवर्ड अच्छे देदेवे आजर आधार नंबर ये देदेवे लॉगिन कला पर आपको फास्ट ये फ्रंट में लिखा हो देखो बेनिफिशियरी एलिजिबल अप्लाई फॉर एनएसके निर्माण श्रमिक मैंने जो मैंने लेबर कार्ड स्कॉलरशिप पकेबापी चाहते अन्य कौन स्कॉलरशिप पाते पकई पारे कि रूलटा एक्चुअली काम करूनी केवल साइट में लिखा ट्राई करदे निजे अप्लाई करके प्रथम जो स्टेट स्कॉलरशिप पकई सारी तेल एटा पकड़े पकेबे सेमती एक्जाक्टली आपड़ जब अगर कौन स्कॉलरशिप पकई तेज ये स्कॉलरशिप पकई पारे ना एमाउंट बहुत ज्यादा अच्छी मानुची कि पकई पारे ना से आपको आईदर गोटे स्कॉलरशिप सिलेक्ट करा पड़ो स्टेट स्कॉलरशिप काटिक कालिया पकेबे कि कालिया काटिक स्टेट पकेबे जहाँ आपको इच्छा लगे ठीक अच्छे। एथि आसला आपको देखो ऑलरेडी यार स्टेट स्कॉलरशिप पकाई तथापि मुझको देखापी पकाऊँ आ गए कि सबमिट नवनी फाइनाल सबमिट मुझे जानी तो पुणी न्यू अप्लाई करने आपको कौन करा पड़ो ऊपर देखो राइट साइड जो तीन टा गार अच्छी से टच कले आपको गोटे एमती बार खोल जो अप्लाई स्कॉलरशिप ऑप्शन मिल आपड़ी क्लिक कले आपको आसी फास्ट एकेडमिक ईयर 2023-24 डिपार्टमेंट कौ डिपार्टमेंट जोटा कालिया स्कॉलरशिप से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सिलेक्ट कलापर स्कीम पलैस आपको कालिया स्कॉलरशिप ठीक अच्छे। तापर ये मागे आपको कालिया बेनिफिशियरी आईडी यहाँ केमती काढ़ा जाए आपको देखेदे
गूगल रे जिबे सर्च करिवे कालिया पोर्टल आउ कालिया रो ऑफिशियल वेबसाइट की चल जिबे सेठी गला पर आपन को कोन करिया पडो एटी जो ऊपर आपन को क्रोम ब्राउजर रे तीनटा डॉट थिबो से डॉट रे क्लिक करिवे कला पर आपन को डेस्कटॉप साइट ऑन कर दबा पडिवो डेस्कटॉप साइट ऑन करले ही जाके कालिया आईडी आपन काढी परिवे नेक्स्ट आपन को एटी बेनिफिशियरी लिस्ट जोटी देखा होची तारे ऊपर क्लिक करिवे सेटा सिलेक्ट कला पर आपन निजर डिस्ट्रिक्ट आपन को जहा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवे तापर निजर सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे आ निजर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे कौ ग्राम पंचायत जाऊँच या कला भ्यू मारदे आपन को पूरा आपण ग्राम पंचायत दुटा लिस्ट आज गोटे भूमिहीन स्मॉल मार्जिनल फार्मर यहाँ क्षुद्र चाषी एटा लैंडलेस एग्रीकल्चर होल्डर जोटा भूमिहीन रहे तो आपण पेरेन्ट्स जो थे पाथे पचारे आईरे क्लिक करदे ठीक अच्छे तापर एटा डाउनलोड होती डाउनलोड करदे तो डाउनलोड होती आपर बापा नाम ये बेनिफिशरी नेम खोजा पड़ो आपण बापा नाम जहाँ भी थोड़ा सेटा खोजे आपर जमी नित्यानंद प्रधान या बापा नाम तो फार्मर कालिया आईडी जोटा सेटा को कॉपी करनेली ठीक अच्छे यहाँ है कालिया आईडी ठीक अच्छे नेक्स्ट आपड़ी आपंकर कालिया आईडी टाक पेस्ट करदे जदि कालिया आईडी न काढ़े भी डायरेक्ट जी अप्लाई करते जी कालिया योजना पाथे आधार नंबर भी पकईकि आप वेरीफाई करेंगे ठीक अच्छे जेहेतु आम कालिया आईडी काढ़ी आनचे तो आपको सुविधा हम कालिया आईडी वेरीफाई करने वेरीफाई कलापर तर आधार नंबर आस आ गोटे आधार जो लिंक थी नंबर से गोटे ओटीपी जी ठीक अच्छे से ओटीपी निजर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देवा पड़ो फास्ट जिते पर्यटन आपड़ पढ़ी जमी फास्ट मेट्रिक आपड़ कौन करोर्स मुझे से कोर्स गुड़ा ही अच्छी छड़ा कोई कोर्स ना तो आपड़ जब बीटेक् करेंगे बीटेक् सिलेक्ट करेंगे तापर कौ बोर्ड से जाए आम बीपीड जाए जानते समस्ते पासिंग इयर के पास आउट है किस आउट है लिखे जदि यहाँ कर सारापर एटी आपटा कंटिन्यू करा लगे ना जोटा कम्प्लीट कर सकते सपोज आप एम टेक् करते आपर बीटेक् डिटेल्स ये भरीदे जदि बीटेक् करते बीटेक् पूर्व जब डिप्लोमा करेंगे देते कि प्लस टू साइंस करते सेटा को भी देदेवे ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट करेन्ट कोर्स इनफर्मेसन बर्तमान जहाँ आप पढ़ुं से देवाक पड़ो कौ कलेज कर सब जिन आपको सिलेक्ट करा पड़ो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रू आरंभ करेंगे सपोज बालेश्वर सिलेक्ट कले भगराय सिलेक्ट कले भगराय इंस्टिट्यूट कौन कौन अच्छी तो मोर जो आईटीआई अच्छी तो ये प्राइवेट आईटीआई वाला भी पकई पारे ठीक अच्छे सेल्फ फाइनान्स मान भी अच्छी तो से प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट आईटीआई वाला फिटर इलेक्ट्रीशियन दुटा ब्रांच अच्छी पकई पारे ये स्कॉलरशिपटा नेक्स्ट आपको तौक जावाक पड़ो निजर नेक्स्ट स्टेप आपर करेन्ट इनफर्मेसन पर लास्ट एग्जाम जोटा देते सपोज आप आईटीआई करते लास्ट एग्जाम आप मेट्रिक थी जी एप प्लस टू करते भी मेट्रिक थी जब प्लस थ्री आम बीटेक् करते लास्ट एग्जाम आप डिप्लोमा कि प्लस टू थी तो से अनुसार लास्ट एग्जाम सिलेक्ट करेंगे और तार मार्क के फुल मार्क परसेंटेज केपे आसो मार्कसीट अपलोड करेंगे थर्ड स्टेज आपको अकाउंट नंबर देवा पड़ो जो बैंक अकाउंट एफ सी कोड दे ये इस लगे अकाउंट सीडिंग होता निहाती दरकार आ बैंक पासबुक अपलोड कला कम्प्लीटली सबमिट हो थिंक हूँ स्टूडेंट डिक्लेरेशन फॉर्म जोटा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सेटा कौन बहुत जन जापार नहीं थे स्टूडेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कौटा तो व्हाट इज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इन कालिया स्कॉलरशिप गूगल सर्च करदेली तो आसला कौन ऑप्शन देखो ये आसगला स्टेट स्कॉलरशिप डॉट जीओवी डॉट इन साइट फ्रीशिप कार्ड इज ए डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट द स्टूडेंट इज इलिजिबल ठीक अच्छे ये फ्रीशिप कार्डटा ही आपर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हिसाब से अपलोड हो तो फ्रीशिप कार्ड केमती पाए ये जिनसा बहुत जन जाणी ना से कहीदे आपन को स्टेट स्कॉलरशिप रो लॉगिन करिया को पड़ो लॉगिन कलापर आप देखु आपन को प्रोफाइल सेक्शन ये तले दिखाई थी फ्रीशिप एप्लाय फ्रीशिप कार्ड ये देखते ऑप्शन अच्छे सहीटार एप्लाय कर पड़ो से आपंकर इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बाकी सब डिटेल्स भरला आपन को सबमिट करा पड़ो जोटा आपंकर फ्रीशिप कार्ड ठीक अच्छे से सब डिटेल आसटा को आपको भरिकी सबमिट कले आप फ्रीशिप कार्ड बाहरी आसो जोटा को आपड़ यूज करेंगे कालिया स्कॉलरशिप पकेला बेले सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तो वीडियो को शेयर करूँ कार हेल्प हो जय जगन्नाथ।